पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का जो है वह केंद्रीय स्थान है, जैसे कि मैकियावेली और सोक्रेटिस जो विचारक हैं, थैसीमेकस से लेकर आधुनिक समय के जो विचारक हैं, मॉर्गेंथाउ, कैटलिन, कैप्लान, इन विचारकों ने भी राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान दिया है और शक्ति की अवधारणा को केंद्रीय स्थान दिया है। तो देखिए, आधुनिक विचारकों में आपको बताया था पिछली कक्षा में, कैटलिन ने एक माना है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है और राजनीति शास्त्र में शक्ति के बिना हम किसी भी संकल्पना की बात नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य दंडिक की शक्ति से युक्त होने के कारण अन्य सामाजिक संस्थाओं में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। इसलिए राज्य के पास में कानूनी शक्ति का होना बहुत जरूरी है और आधुनिक समय के विचारकों में कैटलिन, कैप्लान, मॉर्गेंथाउ, बर्टन डसेल्स आदि विचारकों ने भी ये माना है कि राजनीति विज्ञान जो है वह शक्ति का विज्ञान है। और राजनीति विज्ञान की जब हम संकल्पना की बात करते हैं तो वो शक्ति के इर्द गिर्द ही दिखाई देती है। तो राजनीति विज्ञान शक्ति के इर्द गिर्द, शक्ति के चारों ओर ही मंडराता है और शक्ति की अवधारणा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति के बिना हम राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते। तो देखिए, हम शक्ति की अवधारणा पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं कि शक्ति का अर्थ और परिभाषा किस प्रकार से है। तो देखिए, शक्ति का अर्थ एवं परिभाषा, तो देखिए शक्ति का अर्थ है परिभाषा। शक्ति जब अपने नंग स्वरूप में होती है तो एक तलवार की तरह होती है। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं, जिस प्रकार से तलवार जब मयान में होती है तो वो सत्ता से युक्त होती है और जब तलवार को मयान में से निकाल लिया जाता है, जब उसका स्वरूप बिल्कुल नग्न होता है तो वास्तव में शक्ति से युक्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि जब तलवार मयान में ढकी है तो उसको सत्ता का आवरण से वो ढकी हुई है, जबकि तलवार को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो शक्ति पर आधारित होती है। उसे हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो देखिए, शक्ति जो है अपने नव स्वरूप में बल प्रयोग की अवधारणा है। तो शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में केवल बल प्रयोग है, लेकिन जब वो सत्ता के साथ युक्त हो जाती है तो उसके साथ में सत्ता मिल जाती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि शक्ति जो है बल प्रयोग की अवधारणा के रूप में अपने नंग स्वरूप में हमें दिखाई देती है, जबकि जब वो सत्ता से युक्त हो जाती है तो फिर उसे आगे वैधता भी मिल जाती है। तो देखिए, इसका अर्थ है परिभाषा, हम देखते हैं कि किस प्रकार से शक्ति जो है वो क्या है। तो देखिए, मैकाइवर ने कहा है शक्ति एक, मैकाइवर का विचार है कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। बहुपक्षी तत्व है अर्थात इसमें बहुत सारे तत्व, बहुत सारे पक्ष शामिल है। इसलिए शक्ति क्या है? एक बहुपक्षी तत्व है और शक्ति के अर्थ परिभाषाओं को लेकर विचारों में एकमत नहीं है। अलग अलग विचारकों ने शक्ति की अलग अलग परिभाषा दी है। तो देखिए, इसके अर्थ को हम निम्नलिखित रूप से में हम देख सकते हैं। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में शक्ति के प्रमुख अर्थ निम्नलिखित है। तो देखिए,
राजनीति विज्ञान में, राजनीति विज्ञान में शक्ति के अर्थ निम्नलिखित है। शक्ति के अर्थ निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें हम देखते हैं, पहला पॉइंट है बल प्रयोग के रूप में, बल प्रयोग के रूप में बल प्रयोग के रूप में। दूसरा है मनुष्य की सामान्य, मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में, मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति के बारे में पढ़ा था कि शक्ति के विभिन्न अर्थ निम्नलिखित हैं, बल प्रयोग के रूप में, मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, तीसरा है शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया 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 है, नियंत्रण के अर्थ में शक्ति, नियंत्रण के अर्थ में शक्ति, नियंत्रण के अर्थ में शक्ति, मूल्य के अर्थ में शक्ति, देखिए शक्ति की जब हम बात करते हैं तो शक्ति को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, एक विचार नहीं है। शक्ति के बारे में विभिन्न विचारकों ने अलग अलग जो है अपने विचार प्रतिपादित किए हैं, तो हम शक्ति को इसके विभिन्न अर्थों के हिसाब से इसे देखते हैं कि बल प्रयोग के रूप में कुछ विचारकों का कहना है कि शक्ति क्या है, केवल बल प्रयोग है। जैसे कि बायोस्टेट ने कहा है कि शक्ति केवल बल प्रयोग की संभावना है, तो शक्ति को बल प्रयोग के रूप में कुछ विचारकों ने देखा। मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में कि मनुष्य जो है वो शक्ति से डरता है और शक्ति से भयभीत वो हमेशा होता है, तो ये मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है कि वो शक्ति से हमेशा क्या है, उसके मन में भय उत्पन्न होता है। शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, तो ये बल प्रयोग की संभावना के रूप में भी शक्ति को हम देखते हैं। अगला है शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है, जैसे कि समाज में जिसके पास में शक्ति होती है, साधन संपन्न जो होता है उसके पास में प्रभाव होता है, और वो प्रभाव से उसके पास में सामाजिक प्रतिष्ठा उसे प्राप्त होती है, और वो उससे कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करता है। अगला है नियंत्रण के अर्थ में, जिसके पास में शक्ति होती है वो पूरे समाज को नियंत्रित कर पाता है, जैसे कि सेसी मैकस ने भी कहा है कि शक्तिशाली का नीति न्याय है। तो नियंत्रण यानी समाज की सभी संरचनाओं पर उस व्यक्ति का वर्चस्व होता है जिसके हाथ में शक्ति होती है, तो शक्ति नियंत्रण के अर्थ के रूप में भी हम शक्ति को देखते हैं। अगला है मूल्य के अर्थ में शक्ति, जिस व्यक्ति के पास में शक्ति होती है
वो क्या है, मूल्य की बात हम करते हैं कि आदर्शवादी मूल्य के रूप में शक्ति को माना है। जैसे कि मार्गनथाउ ने भी इसे एक यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकारा है, थेसीमेकस ने भी शक्तिशाली का नीति न्याय बताया है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि विभिन्न विचारकों ने शक्ति के बारे में अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं और उसके हिसाब से हम शक्ति के इस प्रकार इसे विभिन्न अर्थों में हम देखते हैं। अब देखिए अगला हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा किस प्रकार है। तो देखिए इसकी परिभाषा के बारे में इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि शक्ति की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। देखिए की प्रमुख परिभाषाएं, देखिए बायस्टेड ने कहा है विभिन्न विचारकों ने शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हम बायस्टेड के बारे में देखते हैं कि बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अगली परिभाषा हम देखते हैं, अगली परिभाषा है कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है कि शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है। तो देखिए इस प्रकार शक्ति की हमने विभिन्न परिभाषाएं देखी और इस प्रकार शक्ति जो है वह, जैसे कि बायस्टेड ने कहा है कि वह एक बल प्रयोग की योग्यता है, नहीं कि उसका वास्तविक प्रयोग। बल प्रयोग की योग्यता है अर्थात शक्ति बल से युक्त होती है, लेकिन बल प्रयोग को ही हम जो है शक्ति के रूप में नहीं देख सकते कि केवल इसकी योग्यता है। अगला है शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है, क्योंकि ये मानवीय संबंधों की बात इसमें होती है कि किस प्रकार से शक्ति का प्रदर्शन व्यक्ति करता है और मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। देखिए इसकी प्रमुख परिभाषाएं हमने देखी, अब हम देखते हैं इसके बाद में शक्ति की परिभाषाओं के बाद में हम देखते हैं शक्ति की परिभाषा देखी हमने किस प्रकार से,
शक्ति के बारे में विचारकों ने अलग अलग अपने मत प्रतिपादित किए हैं। और ये बताया है कि शक्ति जो है वो अलग अलग रूपों में इसके रूप हैं, और मैक्स वेबर ने मैक्स वेबर एक प्रमुख समाजवादी विचारक हैं। मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन प्रकार बताए हैं, वैचारिक। तो देखिए, मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन प्रकार बताए हैं। मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन प्रकार बताए हैं कि शक्ति के तीन प्रकार किस प्रकार से हैं, वैधानिक या कानूनी, दूसरा परंपरागत, और तीसरा है करिश्माई। तो देखिए, मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन प्रकार बताए हैं कि वैधानिक और कानूनी शक्ति, परंपरागत शक्ति और करिश्माई शक्ति। तो मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन प्रकार बताकर ये बताया कि शक्ति कानूनी शक्ति से युक्त भी होती है, परंपरागत तरीके से भी शक्ति का प्रकार माना जाता है, और करिश्माई और जादुई शक्ति को भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, इस प्रकार मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन प्रकार माने हैं। अगला हमें शक्ति के स्रोत की बात करते हैं कि शक्ति के स्रोत क्या हैं। तो देखिए, शक्ति के स्रोत की बात हम करते हैं, शक्ति के स्रोत क्या हैं। शक्ति के स्रोत, यह आपकी परीक्षाओं में कई बार दो नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, और कई बार ये पांच नंबर का प्रश्न भी आता है कि शक्ति के स्रोत क्या हैं, इनको आप इनकी विवेचना कीजिए। और कई बार बड़ा प्रश्न भी आ जाता है कि शक्ति से आप क्या समझते हैं, शक्ति के स्रोतों को आप जो है विश्लेषित कीजिए। तो देखिए, पहला जो स्रोत है शक्ति का वो है ज्ञान। पहला स्रोत है ज्ञान, दूसरा है प्राप्ति या उपलब्धियां, प्राप्ति या उपलब्धियां, तीसरा है संगठन एवं आकार, संगठन एवं आकार, चौथा है सत्ता, अगला है विश्वास विचार एवं कार्य, विश्वास विचार, एवं कार्य। अगला छठा है परिस्थितियां, तो देखिए शक्ति के ये विभिन्न स्रोत हैं कि शक्ति को किस प्रकार से जो है उसे प्राप्त किया जाता है। पहला है
ज्ञान के आधार पर। अर्थात ज्ञान जो है वह शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है, बुद्धि विवेक जिसके पास में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और कहा भी गया है कि व्यक्ति अपने माइंड से पूरे संसार में क्या कर सकता है, राज कर सकता है। तो हम ज्ञान की बात करते हैं कि जो बुद्धि और नॉलेज में सबसे ज्यादा कुशाग्र और तीव्र होता है, वो जो है पूरे विश्व में उसका एक छत्र राज्य स्थापित हो सकता है, यदि उसमें बुद्धि और ज्ञान भरपूर है, विवेक उसमें भरपूर है। तो देखिए, ज्ञान शक्ति का प्रमुख स्रोत है, और जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, वो व्यक्ति शक्ति से संपन्न होता है। तो देखिए, इसमें हम ज्ञान में बात करते हैं। जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है, नॉलेज है, वो व्यक्ति क्या होता है, अपने ज्ञान के बल पर वो शक्ति से संपन्न होता है। अगला है प्राप्ति एवं उपलब्धियां। ये ज्ञान का बाह्य स्रोत है, जैसे कि पद प्राप्ति। इसमें हम देखते हैं पद प्राप्ति, सम्मान। पद प्राप्ति सम्मान की बात करते हैं कि कोई पद व्यक्ति को प्राप्त है, बहुत ही सर्वोच्च पद पर उसे अपनी सीट मिली है, आसीन है सर्वोच्च पद पर, कोई सम्मान उसे कोई नागरिक सम्मान मिला है राज्य की तरफ से। तो प्राप्ति या उपलब्धियां भी क्या है, शक्ति का प्रमुख स्रोत है। अगला है संगठन एवं आकार। तो देखिए, संगठन एवं आकार जो है वो राज्य एक शक्तिशाली संस्था है, और इसका क्या है, सुदृढ़ संगठन है। तो किसी भी संस्था के आकार को उसकी शक्ति का स्रोत माना जाता है। जितना बड़ा, जितना बड़ा आकार होगा, जितना बड़ा आकार उतना शक्ति संपन्न। जितना बड़ा आकार उतना शक्ति संपन्न। तो देखिए, संगठन एवं आकार भी शक्ति का प्रमुख स्रोत है। समाज में अनेक संगठन है, जैसे कि व्यापारिक संगठन है, मजदूर संगठन है, शिक्षकों के संगठन है, उसी प्रकार से कई बुद्धिजीवियों के संगठन है। तो ये संगठन जो है, उन संगठन में जिस संगठन का जितना बड़ा आकार होगा, वो उतना ही क्या है, शक्ति संपन्न माना जाएगा। तो इसलिए संगठन एवं आकार भी शक्ति का क्या है, प्रमुख स्रोत है। अगला है सत्ता। तो देखिए, सत्ता का एक प्रमुख, शक्ति का एक प्रमुख स्रोत सत्ता है। अन्य व्यक्तियों से कम योग्य निर्बल व्यक्ति भी क्या है, सत्ता प्राप्त करके जो है वह प्रमुख रूप से प्रभाव में आ जाता है। तो देखिए, सत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है, और सत्ता के कारण निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी क्या होता है, प्रभाव में आ जाता है। क्योंकि सत्ता ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को प्रमुख रूप से उसे शक्ति संपन्न करती है। तो ये कहा भी गया है कि जब शक्ति सत्ता से युक्त होती है तो उसे वैधता भी मिल जाती है। जब शक्ति केवल नंगी तलवार के रूप में होती है तो उसे सत्ता नहीं मिलती, और जब शक्ति सत्ता से युक्त हो जाती है तो लोग उसका वैधता, उसे वैधता भी मिल जाती है, उसे औचित्यता मिल जाती है। अर्थात व्यक्ति जो है अपने मन से राज्य शक्ति के कानूनों का सहर्ष पालन करते हैं। कहा भी गया है कि नैतिक शक्ति जो होती है वो बहुत ही, नैतिक बल किसी भी शक्ति से सबसे महत्वपूर्ण होता है, और नैतिक बल के आधार पर जो नैतिक बल होता है वो शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, सत्ता जो होती है, जैसे कि इंदिरा गांधी की सत्ता हम भारत में देखें तो उसका भी महत्वपूर्ण पद था, और उसने अपने
सत्ता के आधार पर उसने अपना महत्वपूर्ण प्रभाव जो है भारतीय राजनीति में स्थापित किया। अगला है विश्वास विचार एवं कार्य। तो देखिए विश्वास विचार एवं कार्य यानी कि ये भी शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। किसी भी समाज के अपने जो है विश्वास होते हैं, विचार होते हैं, कोई भी संस्था जो होती है उसके स्वयं के विश्वास, स्वयं के बिलीव, स्वयं के विचार होते हैं, जो कि उसे शक्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। कि किसी भी संस्था में कार्यरत जो भी व्यक्ति हैं, उनकी मनोवृत्तियां हैं, उनके विश्वास हैं, उनके विचार हैं, वो भी शक्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला है परिस्थितियां। तो देखिए परिस्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है शक्ति के स्रोत का, क्योंकि परिस्थितियां जो होती हैं वो व्यक्ति के अनुकूल भी होती हैं और प्रतिकूल भी होती हैं। तो जब परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति जो है उन परिस्थितियों के अनुरूप शक्ति संपन्न बन जाता है, और परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो व्यक्ति जो है वह अपना किसी भी रूप में उसका प्रभाव स्थापित नहीं हो पाता। तो देखिए परिस्थितियां जो होती हैं अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह से होती हैं, और परिस्थितियां भी जो हैं वो शक्ति का प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार से शक्ति के प्रमुख स्रोत की हमने बात की कि किस प्रकार से शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए शक्ति के प्रमुख स्रोत की हमने बात की। अगला हम शक्ति की विशेषताएं की बात करते हैं कि शक्ति की विशेषताएं, लक्षण और प्रकृति क्या है। तो देखिए शक्ति के विभिन्न स्रोत हमने देखे। देखिए शक्ति के लक्षण विशेषताएं शक्ति के लक्षण विशेषताएं एवं प्रकृति। देखिए हमने अभी शक्ति के स्रोत के बारे में पढ़ा था कि शक्ति के क्या स्रोत होते हैं। उसके बाद में हम शक्ति के प्रमुख लक्षण विशेषताएं प्रकृति देखते हैं कि शक्ति के प्रमुख लक्षण विशेषताएं क्या है। तो देखिए पहला हम देखते हैं कि शक्ति की जो विशेषताएं किस प्रकार से हैं। तो शक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित है। शक्ति की प्रमुख विशेषताएं, शक्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है शक्ति संबंध कारक। शक्ति संबंध कारक होती है। देखिए शक्ति की हमने प्रमुख विशेषताओं की बात करी, उससे हम पहली विशेषता देखते हैं कि शक्ति क्या है। संबंध कारक होती है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न व्यक्ति काम करते हैं, और विभिन्न व्यक्ति इन संस्थाओं के बीच में एक संबंध पाया जाता है। उस संबंध के आधार पर हम शक्ति की अवधारणा को देखते हैं कि उन संस्थाओं, उन व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है, और उस संबंध को हम देखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शक्ति संबंध कारक होती है, क्योंकि विभिन्न व्यक्ति और संस्थाओं के बीच में संबंध पाया जाता है, और उस संबंध के आधार पर हम जो है वो इसकी बात
करते हैं। तो देखिए इस प्रकार शक्ति की प्रमुख विशेषताएं में हमने संबंध की बात करी कि शक्ति क्या है, संबंध कारक होती है, विभिन्न व्यक्ति संस्थाओं के बीच में शक्ति संबंध को स्थापित करती है कि संबंध के आधार पर ही शक्ति जो है स्थापित होती है।